वाह क्या सुंदर नज़ारा है। और ये देखिए इधर वाटरफॉल, थोड़ा सा दूर है लेकिन फिर भी मैं दिखाने की कोशिश। ये देखिए वाटरफॉल, वाह कितना सुंदर, ये वाह गजब। और ये नीचे, ओह क्या सुंदर नज़ारा, वाह। ये क्या बात है, नर्मदे हर। देखिए अभी हम आए हैं यहाँ पर, नौशा एक जगह है नर्मदा जी के परिक्रमा मार्ग से थोड़ा सा हट करके। तो वहाँ पर बताया गया था कि संत महात्मा भी रहते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है, तो मुझे ये लगा कि वहाँ जाना चाहिए। तो इसी क्रम में यहाँ थोड़ा सा नीचे आए हैं, भैया लोग हमारे साथ हैं यहाँ, और ये अभी हमें लेके चलेंगे नीचे जहाँ संत महात्मा के दर्शन होंगे। और जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि वाटरफॉल जो दिख रहा है बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो हम सोचते हैं कि उसको थोड़ा सा नीचे से देखा जाए। तो आइए चलते हैं नीचे। और एक इधर भी वाटरफॉल है, और ये देखिए चारों तरफ, वाह ये कितना आनंद। और ये वाह ये देखिए वाटरफॉल इधर, ये क्या बात है, ओहो। चलिए इसके पास में चलते हैं। वाह सीढ़ियाँ बन गई, बहुत अच्छा लग रहा है। हनुमान जी भी सामने हैं। वाह गजब, ऐसे बता रहे हैं 3-4 और हैं अंदर। अरे वाह ये देखिए ये, अरे वाह ये इधर से भी, हाँ हाँ ये क्या सुंदर प्राकृतिक नज़ारा। ये तो पूरी नदी गिर रही है, ये पूरी नदी नीचे गिर रही है आकर के। ये देखिए वाह पानी गिर रहा है, ओ आनंद लीजिए आनंद। हाँ ये देखिए वाटरफॉल अभी हम देख रहे हैं, तो ये वाह गजब आनंद 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 अत्यधिक आनंद। ये खाई दिख रही है और ऊपर आप चले जाएंगे तो देखिए ये थोड़ा थोड़ा, हमारे साथ चलिए आप ऊपर ऊपर की तरफ देखिए। और ये देखिए ये जो पानी आ रहा है कहाँ से आ रहा है, अभी आप ऊपर और चलते जाइए। वाह ये देखिए, यानी आपको ऊपर देखने के लिए शायद आपकी टोपी नीचे गिर जाएगी, इतनी ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई से वाटरफॉल ये पानी गिर रहा है। ये देखो फिर मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये ओ वाह क्या आनंद है। और ये और नजदीक थोड़ा सा जाना चाहेंगे, ये देखिए ये पूरा, और इधर से ये क्या बात, वो गॉड स्वर्ग है भाई, स्वर्ग स्वर्ग है, वाह जय हो जय हो जय हो प्रभु की।
बहुत सुंदर जगह। ये क्या है यहाँ पर क्या? हाँ वो एक लकड़ी है। हाँ वो जो कटी हुई है। अच्छा इधर खनाई में मिला है। अच्छा अच्छा ये तो गुफा टाइप की है। हाँ भोलेनाथ जी। आइए देखिए पानी टपकता हुआ पहाड़ से और ये देख पहाड़ के नीचे और ये वाटरफॉल। और वाह अरे वाह ये देखिए पानी गिर रहा है ऊपर पूरी नदी। और देखिए यहीं पर संत महात्मा जी रहते हैं। और वाह आनंद आया। वाह महाकालेश्वर धाम ये देखिए ईश्वर सत्य है। वाह ये क्या बात। ओ गजब। ओ यहाँ से तो ये तो नज़ारा बहुत ही बेहतरीन लग रहा है भाई। बहुत बेहतरीन। देखो पानी गिर रहा ऊपर। ओ गॉड नर्मदे हार जय हो भगवान। देखिए महाराज जी भी यहाँ मिल गए। नर्मदे हर नर्मदे हर भगवान भोले बाबा। और वाह क्या बात। बहुत सुंदर स्थान बहुत सुंदर। अंदर चले जाए। अरे वेरी गुड जय भगवान की। देखिए कहाँ पहाड़ के नीचे ऊपर पूरी नदी है। ऊपर पूरी नदी पहाड़ के नीचे और नीचे देखिए भगवान विराजमान है। वाह 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 जय भगवान। आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ भगवान भोले बाबा भी विराजमान है। ऊपर पहाड़ है देखिए ये बिल्कुल ऊपर जो है ना ये पहाड़ पहाड़ के ऊपर नदी है। नदी गिर रही है नीचे जैसे कि देखिए अभी मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से ये सामने ये देखो नदी गिर रही है पूरा है ना। यहीं पर एक कुंड है भगवान भोले बाबा के ठीक पीछे एक कुंड है जहाँ हमेशा स्वच्छ जल रहता है। देखिए अंदर अरे वाह ये महाराज जी का धूना है। देखिए ये क्या बात है। पहाड़ के नीचे गुफा जिसमें महाराज जी रह रहे हैं और ऊपर पूरी नदी बह रही है जो पानी का शोर अभी भी आप सुन रहे होंगे। ये देखिए यहाँ महाराज जी का निवास है और ये धूना है। क्या बात है क्या महाराज जी यहाँ लेटते हैं ना ये शयन करते हैं महाराज जी। वाह और एक चीज़ और अच्छी देखते हैं। आइए महाराज जी के वाह गुफा के दरवाजे कितने सुंदर डिजाइन किए हैं। अरे वाह शिव शक्ति ओम नमः शिवाय। वाह ये देखो क्या सुंदर बहुत सुंदर। नर्मदे हर नर्मदे हर यहाँ जब से धरती माता रहा है तब से ये गुफा है। ये दौतन के पहले जी भगवान जी चलते थे रहते थे उन्हीं के हाथ का ये गुफा है। आए और यहाँ अम्मावस पुनवासी को आपको भोले के जी के कृपा रहेगी तो आपको हर चीज़ दिखने यहाँ मिलेगी। जैसे शेर हो गया नांग देवता हो गया शंकर भगवान भी हो गया ये प्रकट आपको दिखाई देगा। हाँ शेर आती है पर हाँ आती है अम्मावस पुनवासी का आती है शेर आकर धुना में बैठ जाता है पूरी रात बैठ जाता है 4 बजे रात के चले जाता है। पानी का शेर भी आ रहा होगा। ये नदी है क्या? हाँ ये नदी है। हमारे जंगल को कहा जाता है मूसर घाट से ये जलाकर यहाँ गिर रहा था। ये गर्मी में भी बंद नहीं होते है टपकना ज़्यादा गर्मी हो गया तो
बंद नहीं होता है, टपकते रहता है। हाँ जी, तो ये नदी कौन सी है भगवान? ये नंदी को मूसरे घाट नंदी बोले जाता है जी। तो अगर यहाँ कोई व्यक्ति आना चाहे तो कैसे आ सकता है? यहाँ मेरे गांव के नाम है नौसा, नौसा फाल के जाने जाता है। और मैं हूँ खास, मैं नौसा का हूँ। मेरा थाना डंडोरी, तहसील डंडोरी, जिला भी डंडोरी, यह हर कुछ है मेरे डंडोरी। अकेले आप रहते हो, आपको डर नहीं लगता? नहीं, ये छोटापन से हमको आदत भोले जी का सपना द्वारा मैंने यहाँ आया हूँ। जबकि मैं 6 साल से छोटा रहे होंगे, 6 साल से कितना बड़ बच्चा होते हैं, सबके सपना द्वारा पाए हुए हैं ये आप भगवान की है भोले जी का। ये गुफा बनाई है कि प्राकृतिक बनी हुई है? ये बनाई नहीं है, थोड़ी बहुत मिट्टी को हटाया गया है, ये बने भी है। हाँ, ये इसमें एक थे, हम लोग सब बल नहीं चलाए हैं। अच्छा, उसमें नहीं, ये थोड़ा बहुत मिट्टी रहा है उसको हटाए हैं, बस हो गया, थोड़े ही इसको फर्श करवाए हैं बस। ये फर्श वगैरह बनवाया? हाँ जी बाबा, मिट्टी हटाई हो? हाँ, मिट्टी हटा के फर्श हुआ है। तो आपको कितने वर्ष हो गए यहाँ पर? यहाँ हो गया मुझे तो 30 बरस हो गया यहाँ रहते जी। भगवान, यहाँ अगर कोई आए रात में रुकना चाहे तो आइए, रुक जाइए। भोले जी से यही प्रार्थना मांगो कि आइए, हम रात भर रुक जाइए, आपको दर्शन जरूर देगा भोले जी ने। हमें तो इतना सुंदर लग रहा है भगवान, यहाँ से बने हुए और आगे जाने का ये देखिए, हम ये सब लोग एक बात देखिए, क्योंकि सामने झरना ये देखिए, जहाँ हम खड़े हुए हैं उनको झरना। नदी का कितना विशाल पानी का कोई सुनाई दे रहा है, और हम तो ये भैया के से आगे, क्या नाम भैया आपका? गुजरात से पूरे सर, गुजरात से पूरे जो भारत, क्या नाम बताया? दिलराज सिंह गुरु। ये यही का लड़का है ये। हाँ, ये सेवकदार है यहाँ का, रोज आता है ये शाम सुबह। हाँ, इससे और जानकारी ले लो। हमें तो ये बहुत अच्छा लगा, हमें किसी ने बताया था, आनंद आ गया, आनंद आ गया। भगवान, आपसे चल करके बहुत अच्छा लगा, और एक ये इतनी प्राकृतिक जगह जी, नेचुरल, कहीं कोई मॉडिफाई मतलब बनाया नहीं गया? नहीं, बनाया नहीं गया है इसको। भगवान थोड़ा सा ये दिखाएंगे सर? हाँ, देख ले, देख सकते हो, ये देखो आप, हमारे ये नंदी बाबा है, हाँ हमारे ये भोले बाबा है, ये भोले बाबा है हमारे। तो ये भोले बाबा तो आप कहीं से शिवलिंग लाके या स्थापित की गई क्या? नहीं, ग्वारी घाट से लाने गई है इसको जी। आप भोले बाबा को स्थापित किया जी? बहुत अच्छी, बहुत प्यारी जगह लग रही है। और आइए, हम दिखाते हैं, इधर आइए। ये यहाँ हमारे कुंड है। अच्छा, यहाँ हमारे गंगा जी मैया विराजमान है जी। आप लोग को दिखाई देता हूँ मैं गंगा जी की मैया की। अच्छा, ये देखो आप, गंगा जी की मैया है ये। यहाँ हम लोग हर साल होता है गणेश जी दुर्गा जी यहीं रखते हैं। हाँ, यहाँ पर है ना दुर्गा जी? हाँ, दुर्गा जी, गणेश जी, हाँ यहीं रखते हैं जो भी जगह। हाँ, यहाँ कार्यक्रम होता है। और ये हमारे खाना वाले भंडारा के पिचिंग है ये। हाँ, यहाँ खाना बनाते हैं हमारे भंडारा। हाँ, इधर पब्लिक वगैरह बैठते हैं, वो है बजरंग बोली है। हाँ,
चलिए बगौर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। कम से कम नहीं तो 1001 पब्लिक यहाँ समा जाती है। अच्छा। हमारे आपकी आशीर्वाद हमारी गुफा में नवसा के फाल में हजारों आदमी समा जाती है जी। जगह है यहाँ। हाँ जी बाबा, बहुत अच्छा लगा। कभी प्लान बना परिवार सहित आएंगे जी। और वो धार कूदरा है, वो नांग देवता का है पहला। हाँ, उधर निकलता है सात मुंह के नांग वहाँ पे। गुफा है वहाँ पर। हाँ गुफा है, थोड़ा सा है गुफा है, और वहाँ नांग देव का सात मुंह का नांग निकलता है। सात मुंह का उसको भूख महीना डेढ़ महीना में लगता है, तो 8 बजे रात के निकल के सात मुंह के उसके उंजेला देगी, उसके प्रकाश से वो चारा अपना भोजन करते रहता है। हाँ, जिसको बोलते हो आप लोग मड़ी। हाँ मड़ी, तो उस वो निकलता है 6 रोज 7 रोज 8 रोज में जब भूख लग जाएगी उसको, तो अपना भोजन के लिए अपना मड़ी को उलग देगा नीचे, उसके उंजेला में फिरने वो चरने लगता है। बहुत अच्छा लगा। आइए भगवान जी प्रसाद खाइए भोला जी के। अब चलिए चलिए प्रभु जी, हमें भी आज्ञा दीजिए, हम भी आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। महाराज जी अपना शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम शिवगिरी। शिवगिरी जी। अच्छा अच्छा, शिवगिरी जी। देखिए सोडोल से आए हुए आपने गांजा गंजड़ी कलेश्वर धाम में नौसा फाल में सोडोल से आए, भोजन प्रसाद हो रहे, कितने अच्छे सुंदर भी आहार दिख रहे हैं। देखिए ये भी ये देख लो आप लोग, ये केकड़ा, इसको केकड़ा बोलते हैं, ये पानी में रहता है, बुरी तरीके से पक जाता है। अरे वाह, इसको चलाएं दौड़ाएं कैसे? चलो। अरे वाह, ये तो बहुत स्पीड में भागता है। अरे वाह, बड़ी रे रे रे, क्या बात है। देखो देखो देखो, वाह। हाँ ऐसे लग रहा है अब खतरा मेरी तरफ से है। देखो देखो, इसे लग रहा है कि मेरी तरफ से खतरा है। हाँ हाँ, इसको, अरे नहीं नहीं जबरदस्त है भाई, हमें खुद डर लगने लगा। क्या भाई केकड़ा, ओए केकड़े, देखो देखिए। अरे वाह, क्या सुंदर नज़ारा है। ये वाह, बहुत सुंदर, आनंद 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 ही आनंद है। जय हो भगवान की। ये कितना सुंदर। अच्छा यहाँ पर ये यज्ञशाला बनी हुई है ना? यज्ञ कब हुआ था यहाँ पर? तैयारी चल रही है। अच्छा तैयारी चल रही है, यानी यज्ञ होगा। अच्छा ये।
ये देखो क्या बात, कितना और नजारा देखो, पहाड़ कितने ऊंचे ऊंचे हैं। कोई नहीं कहेगा कि हम मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं। और ये अमरकंटक के नियरेस्ट मान लो, ये और वाह, यहाँ का भी नज़ारा बिल्कुल अलग है। ये तो पहाड़ टूट टूट के गिरे ना? नहीं नहीं, वो पहले से है। पहले से है? अच्छा, ये बहुत सुंदर, वाह। ये जो पत्थर है ये अलग है, ये अच्छा। हाँ ये पत्थर अलग है, ये पत्थर अलग है। ऊपर जो लगा है ये जो अपनी ये पत्थर आ रही है ना, ये वहाँ से लेके यहाँ तक, ये अच्छा, ये अलग है, ये अरे बीच से सुरंग टाइप का है। अच्छा हाँ, अरे बहुत अच्छी जगह लगी, बहुत प्यारी जगह है। वहाँ से भी वो सुरंग गया है। हाँ, कभी क्या पानी आने की वजह से ऊपर जाने का भी रास्ता है। अच्छा, ऊपर जाने का है रास्ता, पानी की वजह से नहीं जा रहे हो ना? पानी ऐसे किनारे किनारे से जाते। अच्छा, चले जाते हैं ये।